बात है आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की, जब धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। ये विशाल जीव पृथ्वी पर लगभग हर जगह थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने डायनासोर्स को हमारी पृथ्वी पर से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन आखिर इसका कारण क्या था? ऐसा क्या हुआ कि 10 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय से पृथ्वी पर राज कर रहे डायनासोर्स कुछ ही दिनों में खत्म हो गए? वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं और इसको लेकर बहुत सारी थियोरीज भी मशहूर है, लेकिन डायनासोर्स की इस अचानक से हुए एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण था चिक्सलुब इंपैक्टर एस्ट्रॉयड, जो उस समय स्पेस से धरती पर गिरा था। तो पिछले वीडियो में लाइक्स का टारगेट कंप्लीट होने के चलते चलिए आज डायनासोर्स के विलुप्ति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, डायनासोर्स के विलुप्त होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब क्लाइमेट चेंजेस के कारण हुआ था, तो कुछ कहते हैं कि उस समय पृथ्वी पर कोई जानलेवा बीमारी फैल गई थी। कई लोगों ने तो ये भी लॉजिक दिया कि डायनासोर्स का दिमाग उनकी बॉडी के हिसाब से काफी छोटा था और इसी कारण वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए। अब अगर ऐसा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो काफी समय पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके होते और अपने छोटे दिमाग के साथ एटलीस्ट 10 करोड़ साल तो नहीं जी पाते। सेकेंडली, अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंजेस की, तो ये प्रोसेस कोई एक दिन की नहीं होती है, बल्कि इसमें हजारों साल लगते हैं और इतने में तो कोई भी स्पीसीज अपने आप को इसके हिसाब से ढाल ही लेता है। अगर उस समय पृथ्वी पर कोई बीमारी फैली होती तो वो दूसरे जानवरों को भी खत्म कर देती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। डायनासोर्स के अलावा धरती की ज्यादातर स्पीसीज इसके बाद भी जिंदा बच पाए थे। साल 1980 में अमेरिका के जियोलॉजिस्ट लुइस एंड वाल्टर एल्वारेज ने जमीन में इरिडियम की एक लेयर ढूंढ निकाली और अंदाजा लगाया कि डायनासोर्स का अंत शायद स्पेस से आए किसी कॉमेट या एस्ट्रॉयड की टक्कर का नतीजा था। आपको बता दूं कि इरिडियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो धरती पर ज्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन स्पेस में ये काफी ज्यादा मात्रा में है। पहले तो उनकी इस थ्योरी का मजाक बनाया गया, लेकिन 1990s में मेक्सिको के यूकेटन पेनिनसुला के पास चिक्सलूब में हुई जियोग्राफिकल स्टडीज से पता चला कि यहाँ भी इरिडियम के लेयर्स मौजूद है और ये सारे इरिडियम उसी समय से यहाँ पर है जब डायनासोर्स का अंत हुआ था। इस एरिया में एक 150 किलोमीटर बड़ा क्रेटर है जिसे चिक्सलूब क्रेटर कहते हैं और ये क्रेटर उसी एस्ट्रॉयड के कारण बना था जिसने धरती के सबसे विशाल जीवों का नामो निशान मिटा दिया था। दोस्तों, साइंटिस्ट के अनुसार चिक्सलूब इंपैक्टर एस्ट्रॉयड 11 से 81 किलोमीटर तक लंबा था और इसका मास 4×10^17 किलोग्राम के आसपास था। ये एस्ट्रॉयड 64,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया था और इसके टकराने के चलते कुछ ही पलों में 100 लाख करोड़ टन TNT एक्सप्लोजन के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी। अब जरा उस समय को इमेजिन कीजिए जब ये एस्ट्रॉयड तेजी से धरती की सरफेस की ओर बढ़ रहा होगा। आसमान में ये नजारा कुछ वैसा ही होगा जैसे हमारे सूरज की तरह कोई बड़ा सा आग का गोला पृथ्वी की तरफ आ रहा हो। उस दिन तो शायद इतना इमेजिन करते करते आपकी जिंदगी खत्म भी हो गई होती। चिक्सलूब एस्ट्रॉयड के जमीन से टकराते ही इतनी ज्यादा एनर्जी के कारण आसपास के 1000 किलोमीटर के इलाके में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। सिर्फ 9 सेकंड के अंदर ही इस इलाके में प्रेजेंट हर एक जानवर और पेड़ पौधे राख बन गए होंगे। इतनी ज्यादा हीट ने दुनिया भर के जंगलों में आग लगा दी होगी। अभी आग वाला तूफान खत्म नहीं हुआ था कि पानी वाला खतरा भी दस्तक दे चुका था। इतनी तेजी से टकराए किसी विशाल एस्ट्रॉयड से पृथ्वी पर 10.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया होगा। आपको बता दूं कि इतना ज्यादा डेंजरस अर्थक्वेक हम इंसानों ने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा है और अगर हम पिछले 150 सालों में सभी भूकंप को मिला भी दे तो भी चिक्सलूब एस्ट्रॉयड से हुए भूकंप से ये कम ही होगा। इस समय दुनिया के सारे समुद्रों में सुनामी आ गई होगी और पानी में 300 मीटर से भी ऊंची लहरें उठ रही होगी। मतलब उस समय एक तरफ आग थी तो दूसरी तरफ पानी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब चिक्सलूब एस्ट्रॉयड जमीन से टकराया होगा उस समय इसके इम्पैक्ट से नीचे के पत्थर टूटकर हवा में बहुत ऊपर तक उछल गए होंगे और बाकी के पत्थर पिघलकर भाप बन गए होंगे। चारों तरफ धूल और राख नजर आ रहा था। धरती की सरफेस पर पड़े इतने ज्यादा प्रेशर के कारण कई जगह वॉल्केनिक इरप्शन भी शुरू हो चुकी थी। अभी इस घटना को एक घंटा ही गुजरा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण 965 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। इसके कारण राख और धूल चारों ओर फैल गए और हवा में उड़ते पत्थर ऐसे लग रहे थे जैसे कि मीटियोर की बारिश हो रही हो। आसमान पूरा काला हो गया था और चारों तरफ था तो बस अंधेरा ही अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो एक दो दिन नहीं बल्कि महीनों तक चला होगा। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक ना पहुंचने के कारण कई दिनों तक पृथ्वी का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा हो गया और इसके बाद तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी होगी। चिक्सलूब एस्ट्रॉयड के गिरने के दिन अगर कुछ डायनासोर्स बच भी गए तो इतनी तेजी से हुई क्लाइमेट चेंजेस ने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा होगा। सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं
बल्कि दुनिया की 80% स्पीशीज शायद इसके चलते खत्म हो गए और सिर्फ वही जानवर बच पाए जो या तो जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रह सकते थे या फिर समुद्रों की गहराइयों में। जाहिर सी बात है कि वो दिन किसी एपोकैलिप्स से कम नहीं था और यही चिक्सुलुब एस्ट्रॉइड धरती पर यमराज बनकर आया था। तो आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 28,000। मुझे पता है आप लोग ये आसानी से कर दोगे। वैसे अगर आप उस दिन जिंदा होते या फिर आज के दिन ही ऐसी कंडीशन आ जाती तो आप क्या करते, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।